Good morning, 10th standard, and welcome to SS class. Today we are going to start with the 20th chapter from your SS textbook, and the chapter is Social Problems of India and Challenges. Now, when we talk about the social problems of India and challenges, as we all know that India is a country with huge population, है ना, बहुत बड़ी population है, लेकिन ये हमारा strength भी है कि India has the largest democracy, ठीक है, largest democracy है, and we have people with different caste, color, creed, language, all living, different culture, हम लोगों ने previous वाले chapters में पढ़ा है about different cultures and all, we all live together, right? ये बहुत अच्छी बात है. वी टॉक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी. वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग कल्चर एंड सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मतलब वी टॉक अबाउट दैट वी रिस्पेक्ट ऑल रीजन रिलीजन्स. ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर कंट्री. अगर मैं थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री की तरफ में जाऊँ तो देखा जाए कि जब कॉलोनियल रूल था, दैट मीन्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश रूल, है ना, तो जब ब्रिटिश रूल था तो उस समय क्या होता था कि ब्रिटिश वर द पीपल, ओनली वन वाज रूलिंग ऑल ऑफ अस, ओनली ब्रिटिशर्स वर रूलिंग द होल कंट्री, है ना. तो जब ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आर कंट्री तो उस समय भी हम लोग डिफरेंट कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन वाले लोग अपनी कंट्री में रहते थे, राइट. लेकिन उस टाइम पर What happened? हम सब united हो गए, हम सब लोगों ने एक दूसरे को साथ दिया, right? और ब्रिटिशर्स को हमने अपनी कंट्री से भगा दिया, और कहा जाए तो हमको फ्रीडम मिला, right? Because that time we all of us were against one, that was Britishers, है ना, तो हम सब लोग unite हो गए. अब actually देखा जाए now in the current situation, What is happening? We are fighting among ourselves, right? Because now it is nobody, one person is not ruling us. Hai na? Yeah, I'm dekh rahe hain, you people are also grown big now. To kya ho raha hai? Now we are fighting among ourselves, kyunki modern society ho gayi hai, wo traditional rules jo hai, wo chale gaye hain, right? To उसके लिए क्या हो रहा है, बिकॉज एक चीज देखो, अगर कोई बाहर का, हमारे घर के अंदर अगर झगड़े बहुत सारे होते हैं ना तो बहुत ट्रबल हो जाता है. कोई बाहर के झगड़े से अगर हमें डील करना होता है ना तो सारी फैमिली यूनाइट होकर उस झगड़े से, उस प्रॉब्लम से जो है हम कुछ कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम से जो है हमें सोल्यूशन मिल सकता है, हम यूनाइट होकर. लेकिन घर के अंदर ही अगर झगड़े हो रहे होते हैं तो उसका असर बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, है ना. तो वही चीज अपनी कंट्री में हो रही. पहले वो ब्रिटिश के साथ था तो हम सब यूनाइट होकर उनको हटा दिया, लेकिन अब क्या किया जाए जब वी ऑल ऑफ अस आर फाइटिंग अमंग आवरसेल्व्स, तो क्या किया जाए. सो इसीलिए इस चैप्टर में टू चैलेंजेस डिस्कस किए हैं, वो दो चैलेंजेस जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही खराब है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, बहुत बड़ा हर्डल है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. और वो टू चैप्टर्स क्या है, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म, है ना. व्हाट आर द टू चैलेंजेस व्हिच वी आर फेसिंग, द टू चैलेंजेस जो डिस्कस किए हैं एंड जो हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म. तो अब ये जो चैप्टर आपके एसएस में क्यों रखा हुआ है, एजुकेशन बेस्ड क्यों, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो. ऐसा बोला जाता है ना कि टुडेज यूथ इज टुमारोज लीडर, है ना. तो आज से ही अगर आपकी थिंकिंग चेंज होगी, राइट, व्हेन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म, व्हेन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यूनिटी डाइवर्सिटी, बोला तो जाता है लेकिन क्या प्रैक्टिकली है क्या, राइट. सो आज से ही अगर होगी तो आई थिंक सोसाइटी विल चेंज. सो इन दिस चैप्टर ये टू चैलेंजेस वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट. अब ये टू चैलेंजेस जो हमने बताए,
तो एज आई सेड कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म, तो सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है. कम्युनलिज्म यानी कोई एक बेस्ड कम्युनिटी, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर रिलीजन जो होती है, कोई पर्टिकुलर सेक्ट होता है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन जो होता है, वो सोचते हैं कि हमारी रिलीजन जो है सुपीरियरिटी है, बाकी सारी जो रिलीजन है वो उसका कुछ नहीं, मतलब हमारे जो रिलीजियस थॉट्स है, हमारे जो रिलीजियस जो है आइडियाज है, राइट, वो ही सबसे अच्छी है, बाकी सारे रिलीजन जो है वो सही नहीं है. तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी के लिए हर्डल पैदा करती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. एक मैंने शॉर्ट में आपको बताया, जैसे हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे. फिर दूसरी चीज़ हो जाती है कास्टिज्म. ये भी है तो रिलीजन बेस्ड ही, लेकिन जैसे हर एक रिलीजन में आप देखो सब कास्ट होती हैं, है ना. तो ये कास्टिज्म जो है दैट डील्स विद दोज पर्टिकुलर कास्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अभी एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि पहले कास्टिज्म क्यों होता था, पहले, राइट, इन आर कंट्री, क्योंकि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि पहले हमारी सोसाइटी जो है वर्नाज में डिवाइडेड थी, है ना, हमने पढ़ा है ना जूनियर क्लासेस में. इट वॉज डिवाइडेड इंटू वर्नाज, दैट इज ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, शैवियस, शूद्रज, है ना. अभी वर्नाज में क्यों डिवाइड थी हमारी सोसाइटी, क्योंकि उस समय जो लोग है ना ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवाइडेड थे, है ना, ऑक्यूपेशन बेस में डिवाइड हो गए थे, तो ये वर्नाज बेस में डिविजन हो गया. उस समय हमारी सोसाइटी थी ऑर्थोडॉक्स थी, राइट, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, ट्रेडिशनल्स बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक थे, हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते थे, तो वो वर्णा सिस्टम चलता था. जैसे जैसे हमारी जो कंट्री है वो मॉडर्निटी की तरफ गई, जो ऑर्थोडॉक्स से हम जो है मॉडर्न की तरफ आए, तो ये वर्णा सिस्टम जो है ना वो हट गए, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शैव्य, शूद्र, ये हट गए, क्योंकि लोगों ने पढ़ाइयाँ करना चालू कर दिया, पढ़े लिखे लोग है, लोग हो गए सोसाइटी में, थिंकिंग चेंज हो गई. ये हमने देखा है, राइट, ट्रेडिशनल से लेके मॉडर्निटी की पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, देखा है, और हम आज तक भी देख रहे हैं, राइट. तो जो कास्टिज्म की जो मैं बात कर रही हूँ, ये हमने पढ़ तो लिया, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, आज भी ये प्रॉब्लम अपनी सोसाइटी में है, राइट, आज भी है. एक सिंपल सा एग्जांपल अभी मुझे याद आ रहा है, जैसे बैकवर्ड क्लास, जैसे एक सिंपल बात करूँ मैं दलित्स की, राइट, उस समय दलित्स वर नॉट अलाउड, उनके साथ जो है मतलब बैकवर्ड क्लास मानी जाती थी, यार ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल की बात कर रही हूँ, है ना, तो उन्हें पीछे रखा जाता था एक्स वाई जी. लेकिन टुडे अगर किसी दलित का बच्चा आज वो अपनी इंटेलिजेंस पे आगे आना चाहता है, राइट, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ा लिखा है, तो उसकी कास्ट क्यों आगे आए, राइट. किसी भी पर्सन हो, ये तो मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दलित्स का दिया, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका ग्राफ जो है अब उसकी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंस पे होना चाहिए, ना कि कास्ट के बेस पर, राइट. तो एज वी ऑल ऑफ अस नो, यू पीपल आर ऑल 16 इयर्स ओल्ड, 15 इयर्स ओल्ड, हम ये देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, ये सारे झगड़े इसकी वजह से होते हैं. लेकिन अगर हम ये समझ जाएं, ये हम समझ जाएं कि डिफरेंस शुड नॉट बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन इज सुपीरियर और नॉट, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, दैट इज व्हाट वी बिलीव इन सेक्युलरिज्म, राइट, बट एक्चुअली आर वी फॉलोइंग इट, राइट. और कास्टिज्म के बेस पर हमें क्यों डिवाइड किया जा रहा है, या क्यों जो है बोला जा रहा है कि ये आगे आएगा, इसको एडमिशन मिलेगा, इसको नहीं, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन हु इज केपेबल, राइट. किसके बेस पर होना चाहिए, कैपेबिलिटी के बेस पर जो है होना चाहिए, ना कि इस बेस पे होना चाहिए कि भाई हाँ अगर ये है ये भाई हायर सोसाइटी का है, हायर कास्ट का है, तो उसको बिठाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके,
So I hope everybody has understood what this chapter is about. Now let us begin this chapter. India is a country with huge population and largest democracy, which I told you right now. Here people of different religion, languages, culture live together. Coordinating culture and secularism are its characteristics. Indian society is changing from traditional to modern society. Many changes have taken place. With these changes, many problems have originated, which include social, economic, political, cultural problems. Matlab traditional se modern society ki taraf jab hamari Indian society jo change ho rahi hai ya change ho chuki hai, usme bhi bahut sare problems hain, which are like social problems, economic, political, cultural problems. But in this chapter, we are going to discuss two challenges, that is communalism and casteism. ठीक है? Many people belonging to different religion, caste, languages have collectively worked for freedom of our country. It is because of their efforts that we have achieved precious freedom. As I told you, कि previously क्योंकि एक person हमें rule कर रहा था, and it is very important. और ये हमारा अचीवमेंट है कि हमारी कंट्री में डिफरेंट कास्ट कलर क्रीड रिलीजन लैंग्वेज के एक साथ कलेक्टिवली उन्होंने आए साथ में मिले तो ही हमें फ्रीडम मिला. तो आई डोंट थिंक कि उनका जो एफर्ट्स जो है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमको प्रेशियस फ्रीडम मिला है ना, ये बहुत मुश्किल से मिला है. राइट, इट सीम्स दैट हार्मनी, यूनिटी, हार्मनी का मतलब जैसे शांति, यूनिटी, टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब जैसे सहनशील, राइट? हमें दूसरी रिलीजन के साथ भी टॉलरेंस दिखाना चाहिए, राइट? सहन शक्ति दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट हैज विदर्ड अवे. जो हम बोलते हैं कि आज हमारी कंट्री में हार्मनी है, यूनिटी है, टॉलरेंस है, ये इधर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि पहले थी, पास्ट में थी, अब withered away हो गई, अब चली गई, अब दिखती नहीं है. After independence, today we come across some negative factors which hinder the peace and progress. और today ये जो negative factors हैं, उसकी वजह से हमारी country में peace नहीं है, हमारी country का progress नहीं हो रहा है. मैंने बोला ना कि अंदर ही अंदर अगर हम fight, बाहर की fights को हम लड़ सकते हैं, लेकिन जब अंदर ही fight हो रहा हो, तो हमारा progress नहीं हो पाता है. Right, such communal conflicts, caste-based quarrels, regional violence, etc. This is a serious challenge to social goodwill, secularism, democratic values, and national integrity. Okay. So now let us talk about communalism. Religion is a matter of faith and reverence. Reverence का मतलब क्या होता है? Respect. राइट, रिलीजन ऑब्वियस है, सब अपनी रिलीजन के ऊपर उनका फेथ होता है, उसको रिस्पेक्ट देते हैं. जनरल एवरी पर्सन, जनरली एवरी पर्सन फॉलोज वन और द अदर रिलीजन और सेक्ट. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, दस कम्युनल बिहेवियर इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वी ऑल ऑफ अस फॉलो सम काइंड ऑफ रिलीजन और सेक्ट, है ना? लेकिन इंडिया एज अ कंट्री believes in secularism. That means India believes in all the religion are equal in the eyes of the constitution, right? When a group of people of a religion or sect oppose other religion or sect because of any reason, communal tension arises. ये हम देखते हैं society में, right? कि कभी भी कोई group of people of religion जो होते हैं, वो अपनी religion को superior बनाकर दूसरी religion को put down करते हैं, तो हम देखते हैं ना, strikes हो जाती हैं, lockouts हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, communal tensions जो हैं, वो हो रहे होते हैं. Now it is said. Now, when the people of any religion or sect try to show superiority of their religion in comparison with the other religions and give more importance to the religious interests, then they look at every citizen not as an individual but as a communal perspective. फिर जब हम अपनी रिलीजन को हायर करके और मतलब हायर दिखाकर दूसरों को जब पुट डाउन करते हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं?
We only think about ourselves. We only think about our group of people. We do not think about the other citizens, right? हम individually सोचने लगते हैं. वो सोच कैसी हो जाती है? छोटी सोच हो जाती है. और वो communalism के लिए बहुत बड़ा communalism हो जाता है. Such a spirit divides the society. और इस तरह की सोच जो है वो society को divide कर देती है, which should not be there. Even after so many years of independence, we have not been able to solve the problems of communalism. Communalism is harmful in different ways. It leads to social tension in the country. People consider their own friends as enemies or rivals, because of which atmosphere of difference and hatred is created. See, when you are in the school, you all of us are friends. राइट बट अगर कोई हमारी सोच में कुछ भी मिक्स कर दे और उसकी वजह से सोसाइटी में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो कहीं ना कहीं शायद हम अपने फ्रेंड्स भी खो देते हैं. राइट वो हेट्रेडनेस क्रिएट हो जाती है विच शुड नॉट बी देयर. कम्युनल टेंशन लीड्स टू कम्युनल रॉइट्स और क्वारल्स. ऑल दीज थिंग्स आर हार्मफुल. ये सारी चीजें हार्मफुल होती है डेमोक्रेसी के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए और एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए. स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म. वी नो दैट कम्युनलिज्म इज अ हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल. अभी हमने इतना सारा पढ़ा तो हम इतना तो समझ गए कि कम्युनलिज्म हर्डल है, हिंड्रेंस है, प्रॉब्लम है, राइट इंडिविजुअल की प्रोग्रेस के लिए. कंट्री के लिए तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन किसी इंडिविजुअल, क्योंकि उन लोगों का भी डेवलपमेंट नहीं होता है कम्युनलिज्म की वजह से. वो जो कम्युनिटीज जो फाइट करती रहती है पूरा पूरा टाइम, उनका ध्यान वो सब कुछ फाइटिंग में ही होता है, तो वो खुद का भी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं. सोसाइटी का प्रोग्रेस नहीं हो पाता, एक नेशन का प्रोग्रेस नहीं हो पाता है. सो देयरफॉर वेरियस स्टेप्स आर टेकन टू इरेडिकेट. तो आपको नहीं लगता है कि हमें कम्युनलिज्म जो वो इरेडिकेट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? तो लेट अस रीड कि हाउ कैन वी डू दैट. एट फर्स्ट गवर्नमेंट शुड टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट कम्युनल एलिमेंट्स टू इरेडिकेट कम्युनलिज्म फॉर द सोसाइटी. सबसे पहली चीज है कि जो इस तरह की कम्युनलिज्म की जो ये इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो स्प्रेड करता है, मतलब अगर किसी की किसी दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करता है और लोगों के कान भरता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है कम्युनलिज्म की, गवर्नमेंट को उसके अगेंस्ट जो है बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए. क्योंकि अगर किसी एक पर्सन को पनिशमेंट मिलता है ना तो दूसरे सब लोग है ना ठीक हो जाते हैं. उन्हें डर लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है, अगर हम ये काम करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, तो बाकी सब लोग क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, है ना. जैसे क्लास में अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी बच्चे को अगर पनिशमेंट मिलती है तो रेस्ट ऑफ द अदर क्लास इज फाइन, बिकॉज दे नो दैट कि भाई नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, अगर ये करोगे तो गॉन भाई, पनिशमेंट मिल जाएगा. राइट तो प्यूनिटिव एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन सो दैट द अदर पर्सन डू नॉट हैव एनी, मतलब है ना उसको गट्स नहीं होनी चाहिए. राइट आप देखो बड़े हो तो आप देखो कई बार सोसाइटी में बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे निर्भया केस हुआ या ये सारे, तब ऐसे लोगों को जब पनिशमेंट जब मिलता है ना तो दूसरे लोगों को कभी हिम्मत नहीं होगी कि ऐसी चीजें हम कर सकें, द थिंग्स विच आर डर्टी एंड स्पॉइलिंग द सोशल सोसाइटी, है ना. तो ऐसे punitive actions lene chahiye. Education can play an important role in eradication of communalism in our education and curriculum. Positive things have been included. Other than prayers of all the religions are organized, social functions are celebrated so that the children develop respect for all the religions. Very good. School and education plays a very important role. राइट इन इरेडिकेटिंग द कम्युनलिज्म. आज अगर ये चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में डाला है तो क्यों डाला है, एज आई डिस्कस, सो दैट एक अवेयरनेस हो, एक पॉजिटिव थिंग्स क्रिएट हो, बच्चों को पता चले कि दिस शुड नॉट बी डन. फिर जो प्रेयर्स होती हैं, आप देखो जैसे आपकी स्कूल में वी हैव ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेयर्स, राइट, रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी कम्युनिटी,
राइट अच्छा, आपके जो जो भी फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब ऑर्गेनाइज होती हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं रिलीजन्स की, तो वो बच्चों में भी रिस्पेक्ट होता है फॉर द अदर चाइल्ड्स रिलीजन. राइट, पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन कम्युनल आइडेंटिटी नॉट बी गिवन. हां रामू हो जा, मगज का है. Political party based on communal idea should not be given recognition. Special ethics are there for election, thus must be implemented and followed. This is a very important thing. You must have seen, you know, कई बार जो political parties होती हैं ना, वो actually इस तरह बोलती हैं कि I should not be saying as a teacher this, but it is a fact. कि कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हम तो ये वाली ही कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, या हम तो ये वाली कम्युनिटी के लिए ही जो है पावर में आए हैं. दैट शुड नॉट बी देयर. पॉलिटिकल पार्टी इज फॉर द रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए उनको अपॉइंट किया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर रीजन में एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड. राइट, सो स्पेशल एथिक्स शुड बी फॉलोड. मास मीडिया नेक्स्ट है. जैसे रेडियो, टीवी, सिनेमाज आर द बेस्ट ऑडियो विजुअल एड टू रीच द कॉमन पीपल. राइट, ये मास मीडिया के थ्रू हमें अवेयरनेस मिलती है. थ्रू देम मैसेजेस ऑफ सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस शुड बी स्प्रेड. सच टाइप ऑफ प्रोग्राम शुड बी टेलीकास्टेड विच प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनलिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं ना, वो सारा जो है, अगर एक हम अवेयरनेस से करें कि सेक्युलरिज्म के लिए करें, टॉलरेंस के लिए करें, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए करें, एक दूसरे की रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हुए करें, इस तरह के अगर हम स्लोगन्स को अगर हम यूज़ करेंगे, तो टुडे यू आर स्टूडेंट, टुमारो यू विल बी द लीडर्स, टुमारो ये सोसाइटी में आप लोग होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो उनको भी एक हेल्दी एटमोसफियर मिलेगा. Right, that is why such type of chapters are included in the textbook. For the progress of nation, religious leaders and political leaders should work together to combat the problem of communalism. Combat ka matlab hota hai fight, right? Progress of nation ke liye religious leaders, political leaders, they all should come together, and we all should work for the problems of the communalism. राइट, यूथ मस्ट कम फॉरवर्ड टू रिमूव कम्युनलिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. राइट, कई बार पता है क्या होता है कि यूथ को ही भड़काया, देखो ज्यादातर यूथ को क्यों भड़काया जाता है, बिकॉज दे आर द इजी टारगेट्स. लेकिन आजकल के यूथ इनफैक्ट एजुकेटेड है. राइट, दे आर प्रैक्टिकल, दे एक्चुअली अंडरस्टैंड. राइट, तो इनफैक्ट दे शुड नॉट कम इन दिस कि भाई नहीं नहीं उसने बोला ये तो सच है, मुझे तो मेरी नहीं. ऑल आर सेम. राइट, मैं तो कई बार ऐसे सोचती हूँ, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के लोग अगर रह जाएंगे, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अगर रह जाएंगे, तो आपको कॉम्पिटिशन किस बेस पर मिलेगा, आपके फ्रेंड्स कौन होंगे. राइट, देखो एवरी पर्सन, एवरी कम्युनिटी, एवरी रिलीजन हैज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, तो उस तरह जब हम आगे जाते हैं, हमारा इंटेलेक्ट जो है वो और भी आगे बढ़ता है. तो वी ऑल ऑफ अस शुड वर्क टुगेदर. राइट, तो यूथ मस्ट कम फॉरवर्ड टू रिमूव कम्युनलिज्म एट अ सोशल एंड एजुकेशनल लेवल. इट शुड बी ट्राई दैट यूथ डेवलप सेक्युलर एंड साइंटिफिक एटीट्यूड. फॉर दिस पर्पज नॉट ओनली गवर्नमेंट बट सोसाइटी ऑल्सो शुड ट्राई. Understanding the fact that national interests, national pride are above religion, caste, state or language ties the people in one thread and nurtures nationalism and national integrity. Bahut important point hai ye, ki ye fact hai, and we should understand this fact, ki national interest, national pride, hame apni country ke liye, right, that should be more important, that should be the priority. एक पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेट, लैंग्वेज, ये इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट अबाव आवर कंट्री. राइट, हमारा नेशन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम सब लोग, एवरी रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन जो है, ऐसा मुझे एक हिंदी में एक डायलॉग याद आ रहा है, हम सब एक ही माला के मोती है. वाह वाह रितु मैम, क्या बताया, है ना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
So I think with this small this thing that we are, all of us are the beads of one thread, right? So I think wo unity hum sab mein honi chahiye if we do not want communalism. Today we will do only this topic, communalism. Thank you.